हर हर महादेव। एक जो है मनोज कुमार जी शर्मा कोटा राजस्थान से हैं, इनका एक दूसरा प्रश्न है कि भस्म का निर्माण कैसे किया जाए, है ना, किस चीज की भस्म होनी चाहिए। तो देखिए भस्म निर्माण कैसे किया जाए, मुख्य रूप से जो लोग अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं, तो अग्निहोत्र की जो भस्म होती है, हवन करने से जो भस्म बचती है, उसी भस्म का जो है संग्रह करके उसी भस्म को भगवान शंकर पर चढ़ाने का विधान है, देवताओं पर चढ़ाने का विधान है, और उसी को अपने निर्धारित अंगों पर लगाने का विधान है। भस्म कहाँ कहाँ लगानी चाहिए, कैसे कैसे लगानी चाहिए, कब कब लगानी चाहिए, किस किस को कितने कितने लंबा चौड़ा त्रिपुंड धारण करना चाहिए, इसके बारे में हम जो बतला चुके हैं, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर वचनों को उद्धृत करते हुए बिल्कुल, और वो सब जाति विशेष के लिए भी, वर्ण विशेष के लिए भी निर्देश दिया गया है। संस्था का वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। और ये जो है भस्म कैसे बनाई जाए, तो ये बतला रहे हैं कि ये अग्निहोत्र की भस्म यानी हवन करने की जो भस्म होती है वो तो है ही मुख्य भस्म। जैसे कई लोग कहते हैं कि ये जो भस्म रहती है अग्निहोत्र की, तो वो थोड़ी काली होती है, तो उसको अपना सही कर सकते हैं। उसका देखिए तरीका, देखिए गोमय पिंड की भस्म, गाय के सूखे हुए जो गोबर के पिंड हैं, जिनको ब्रह्मचारी हवन करने के लिए अधिकृत हैं, ब्रह्मचारी के लिए विहित हैं वो, या अग्निहोत्र में हवन में मुख्य रूप से उपले कहते हैं उसको, उपले हुए होते हैं, जो जब गाय वन में गोचरण करने के लिए चरने के लिए जाती है, तो उस समय वन में गाय जब गोबर करती है तो वो जैसा जैसा वन में गिर गया है वैसा का वैसा ही जो सूख जाता है उसको बीन करके ले आवे, और वो बड़ा ही पवित्र माना जाता है, उसको जला करके अग्निहोत्र में फिर उससे भस्म तैयार की जाती है, तो वो भस्म या हवन की भस्म। तो ये भस्म जो है काली होती हैं, इस भस्म को, तथा एक और है बिल्व पत्र की भस्म बनती है, वो भी बड़ी सात्विक है। यद्यपि तंत्र शास्त्र में भगवान आद्य शंकराचार्य के द्वारा ही प्रतिपादित, या और भी कई तांत्रिक ग्रंथों में कई प्रकार की कामना विशेष से अनुष्ठान विशेष में धारण करने वाली कई प्रकार की भस्म है, भाई इसको जला करके भस्म बनाने से ये लाभ होता है, ये करने से ये प्राप्ति होती है, ऐसा करने से, कई तांत्रिक रूप से या व्यवहार रूप से, ये जो वर्तमान में भी सात्विक रूप से भी और राजस तामस, तीनों प्रकार के कामना है, कई तरीके की कामना होती है, उनमें जो है धारण करने वाली भस्मों का जो है विधान है कि इस तरीके से जला करके ऐसी की जाए, उसकी चर्चा भी हम यहाँ नहीं करेंगे, हम सात्विक भस्म की बात बतला रहे हैं। तो बिल्व पत्रों को छाया में सुखा करके, बिल्व पत्र हैं उनको छाया में सुखाएंगे तो वो सूखने के बाद भी हरा रहेगा, और धूप में सुखाएंगे तो वो जो है सूख करके पीला पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार अभी कुछ ही समय में बिल्व पत्रों का पतझड़ होता है, जो बसंत ऋतु में होली के समय पर, आगे पीछे कई पेड़ कुछ 8-10 दिन पहले कई बाद में ऐसे होते रहते हैं, तो उन पत्तों को ले ले वे, पहले ही कुछ तोड़ ले वे या ले ले वे, गिर जाए तो उनको ले ले, और छाया में सुखा करके, और किसी पात्र में, नहीं तो फिर वो उठती नहीं है भस्म, अगर जमीन पे या भूमि पर कहीं जला दिया तो वो भस्म वहीं फिर चिपक जाती है, उठती नहीं, बहुत ही सूक्ष्म होती। इसी प्रकार किसी पात्र में घृत इत्यादि छिड़क करके, या वैसे ही उनको पूरा जितना दग्ध हो सके उतना जला दो, तो वो फिर वो भी थोड़ी काली ही हो जाती है, एकदम सफेद नहीं होती है। तो उसके लिए एक कार्य किया जाता है कि वो बिल्व पत्र से हुई निकली हुई जो भस्म है, उनके डंठल इत्यादि को जो ज्यादा काले हो उनको निकाल देवे, और गाय के गोबर में, गाय के गोबर से हुई जो भस्म है या अग्निहोत्र की भस्म है, उसको भी अगर आप श्वेत करना चाहते हैं तो उसमें से जो काले काले ज्यादा हैं उनको हटा करके, और मिट्टी ना आवे ऐसे पदार्थों को लेकर के, या किसी कागज से या पेने किसी से कड़क कागज से उनको भर लिया जाता है, और उसमें
गाय का दूध मिला करके और लड्डू बना लिया जाता है, खूब लड्डू बना लीजिए, और फिर किसी सिकड़ी में जो कोयला जला करके सिकड़ी बना दी है उसमें रख दीजिए, या नहीं है जो बाहर है तो एक हीटर आता है, जैसे हीटर जो होता है स्प्रिंग वाला, उस पर जला करके उस पर रख दीजिए, मतलब वो गाय के दूध में सने हुए भस्म का बना हुआ लड्डू, चाहे वो भस्म बिल्व वृक्ष के पत्तों की बनी हुई है या जो है वो अग्निहोत्र की भस्म, दो ही भस्मों को लेकर के और उनको लड्डू बना दिया है, या हीटर पर रख रहे हैं तो बड़ा मोटा मोटा एक कोई परत बना दीजिएगा, पराठा जैसा मोटा एक कोई रोट, और वो हीटर के ऊपर रख दी, हीटर को चालू कर दीजिएगा, कुछ देर में वो लाल हो जाएगा, पूरा लाल हो जाए, कुछ देर और चलने दीजिएगा, बिल्कुल लाल हो जाएगा, तो फिर वो धीरे 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 वो हो जाएगा, कहीं भी जो है काला न रहे और पूरा एकदम कोयला जैसे धधक जाए, फिर वो अपने धीरे धीरे जब शांत होता है तो पूरा फूट जाएगा और एकदम सफ़ेद हो जाएगा, तो फिर उस भस्म को आप लेकर के अपने जगह रख ले, जब ठंडा हो जाए तो निकाल ले और उसको रख ले, तो वो भस्म ही फिर देवता पर चढ़ाएं, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है, एकदम श्वेत हो जाएगी, हम लोग उसी को धारण करते हैं, इसलिए आपको ये विधि बतलाई है। प्रायः अग्निहोत्र में से भी कुछ निकालेंगे ना, हवन में से भी कभी हम निकाल लेते हैं तो वो भी शुद्ध शुद्ध सूखी एकदम श्वेत पदार्थ, जहाँ पूरी जल जाती जब अग्नि पूरा अच्छी तरीके से पूरा जो है पच जाता है वो, तो वो जो है श्वेत हो जाती है, उसमें कुछ अंश रह जाता है तो काला रहता है, तिल का कुछ पदार्थ पूर्ण रूप से नहीं जल पाया तो वो काला रह जाता है, ये है उसका। परंतु एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अग्निहोत्र का जो है भस्म लेते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, तो हवन विधि पूर्वक हुआ हो, अगर अविधि पूर्वक हुआ है, स्त्रियों के या अनधिकारियों के द्वारा हुआ हवन है, उसकी जो भस्म है तो वो तो आपके जो उद्देश्य को बिगाड़ देगी, वो उसका कोई फल नहीं होगा, इसलिए विधि पूर्वक हुए हवन की, कुछ कंडिका पूर्वक विधि पूर्वक अधिकारियों के द्वारा हुए हवन जो है अग्निहोत्र है हवन है, तो उसका जो भस्म है उसको लेकर के ही धारण करना चाहिए। और ये प्रक्रिया बताई थी कि यदि वैसे भी लगा सकते हैं, अगर आपकी श्वेत करने की इच्छा है तो वो इस प्रक्रिया से आप उसको श्वेत भी कर सकते हैं। हर हर महादेव।